हर कोई ग्रो करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है स्टेबल तरीके से। अब वो चाहे हम हों, हमारे देश के लोग हों, हमारा देश खुद हो या फिर हमारे देश के स्टेट्स। जैसे हम पैसा कमाते हैं वैसे ही हमारा देश और हमारे देश के स्टेट्स भी कमाते हैं, जिसे हम GDP कहते हैं। ये GDP कमाई के साथ साथ और बहुत कुछ बताती है। कमाई कहाँ कहाँ से कितनी कितनी हो रही है, किस जगह कितनी नौकरियां मिल रही है और किस जगह कितनी नौकरियां जा रही है, सब कुछ। इससे एजुकेशन में स्ट्रीम कौन सी लेनी है से लेके करियर कहाँ बनाना है, बिजनेस कहाँ शुरू करना है, इसके बारे में भी डायरेक्शन मिलती है। इंडिया के स्टेट्स भी इसी रेस में लगे रहते हैं। मतलब हमेशा से रेस वाली मेंटेलिटी नहीं थी, पर अब दिखती है। महाराष्ट्र क्योंकि बहुत आगे था तो एक कट टू कट रेस लगी हुई थी तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात के बीच में। पर 2023 के दिसंबर में ये सेकंड पोजीशन की रेस उत्तर प्रदेश जीत गया। सब हैरान थे, बीमारू नाम से फेमस स्टेट, इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाले स्टेट, सबसे बड़े IT हब वाले स्टेट और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले स्टेट से आगे कैसे निकल गया। हाँ ठीक है, उनके CM ने बोल दिया कि UP सबसे पहला स्टेट बनेगा $1 trillion की इकोनॉमी वाला, पर इसका मतलब ये थोड़ी बन ही जाएगा। और चलो इन तीनों को छोड़ो, पर महाराष्ट्र जो इंडस्ट्री से लेके टूरिज्म, स्टॉक मार्केट से लेके फिल्म सिटी तक सब में लीड करता है, उससे भी आगे। पर ये होता दिख रहा है और इसीलिए अब सारे स्टेट्स जाग चुके हैं और सब रेस में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज एक्चुअली $1 trillion की इकोनॉमी बनने की लाइन में लगा हुआ है और बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो शायद इंडिया का पहला स्टेट बनेगा $1 trillion की इकोनॉमी वाला, शायद महाराष्ट्र से भी पहले। अगर शॉर्ट में समझना है तो सही जगह आए हो, वीडियो कंप्लीट करो, समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश क्यों और महाराष्ट्र क्यों नहीं। पर उससे पहले ये बता देता हूँ कि आज का वीडियो बहुत से लोगों के सोचने के तरीके को हर्ट कर सकता है, तो अगर आपको ये लगता है कि डेवलपमेंट की बात बिना पॉलिटिक्स की नहीं की जा सकती तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर अगर अब इसके बाद भी रुके हो तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि समझने क्या वाले हैं, ये $1 trillion इकोनॉमी क्या है और स्टेट्स इसमें कैसे आते हैं। वैसे ये पूरा स्ट्रक्चर, इसके फायदे नुकसान सब मैंने इस वीडियो में बात की है, बहुत अच्छी वीडियो हमारी, अगर देखना है तो वीडियो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ पे ये जो $1 trillion की बात हो रही है ये कमाई की बात है कि किसी भी एक एरिया में, अब क्योंकि स्टेट्स कंट्रीज ये जॉब नहीं करती हैं, ये बिजनेस ही कर रही हैं, सामान बना रही हैं बेच रही हैं, तो जब इनके सामान की बिकने की वैल्यू $1 trillion हो जाएगी तो इसे कहा जाएगा कि इनकी GDP $1 trillion के बराबर है, US dollars। अब जैसे देश की कमाई होती है वैसे ही स्टेट की भी कमाई होती है। आप अलग अलग काउंट कर रहे हो ना, एक घर में चार लोग हैं सब मिलके ₹100 कमा रहे हैं तो इंडिविजुअली भी कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे ना, वही लॉजिक है। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो महाराष्ट्र की GDP इंडिया में सबसे ज्यादा है, करीब करीब $400 billion। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और गुजरात इसी सीक्वेंस में है और सब $250 billion के आसपास है, $5-10-15 billion का ही डिफरेंस है इन सब में, और इनमें लगी हुई है रेस। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला कि हर कुछ दिन पे अलग अलग रीजंस की वजह से बढ़ता घटता रहता है, तो हो सकता है आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग दिनों के हिसाब से डेटा मिले, इसलिए रियल टाइम डेटा और सारी डिटेल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और दूसरा कि GDP के साथ साथ एक चीज होती है GDP पर कैपिटा, जो बताता है कि आपकी एवरेज एक आदमी कितना कमा रहा है। सिंपली ये देश या स्टेट की पूरी कमाई को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता है। अब महाराष्ट्र की पॉपुलेशन करीब 13 करोड़ और UP की पॉपुलेशन 25 करोड़ ऑलमोस्ट, तो अगर दोनों की GDP इक्वल भी होगी तो भी GDP पर कैपिटा पे UP बहुत नीचे हो जाएगा महाराष्ट्र के कंपैरिजन में। किसी भी देश या स्टेट की ग्रोथ देखने के लिए GDP पर कैपिटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर हमेशा GDP पर कैपिटा के बेसिस पे आप ये जज नहीं कर पाओगे कि वो स्टेट या वो देश कमाई कर रहा है या नहीं। हो सकता है वो कमाई बहुत कर रहा हो पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस वजह से वो GDP पर कैपिटा में बहुत नीचे दिखता है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो 720 किलोमीटर की कोस्ट लाइन के साथ इंडिया का सेकंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, थर्ड सबसे बड़ी लैंड वाला स्टेट और सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है। महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र का एस्टैब्लिशमेंट तीनों सेक्टर्स में बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छे से सेटअप हुई हैं, सर्विस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अच्छा करता है और एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है। इंडिया का 1/3 कॉटन महाराष्ट्र से आता है और इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज है 13% इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से है। इंडिया की ग्रोथ की ट्रेन का इंजन कहा जाता है महाराष्ट्र को। तो अब अगर ये सब कुछ सच है तो शुरू में मैंने ये क्यों कहा कि महाराष्ट्र से पहले यूपी $1 trillion की इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की ग्रोथ का कर्व फ्लैट होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बहुत अच्छा जा रहा है पर सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर में काफी सफर कर रहा है महाराष्ट्र, और इस पूरी सिचुएशन का कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण मिलके ये प्रॉब्लम बना रहे हैं, पर सबसे बड़ा कारण है महाराष्ट्र की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि स्टेट हो चाहे सेंटर, कोई भी पार्टी आती है तो वो पिछली पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के बजाय वहीं पर रोक देती है और अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती है। जो इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। महाराष्ट्र में भी ये देखा गया। इसके साथ साथ महाराष्ट्र का सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, और पूरी दुनिया में इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है बहुत ज़्यादा। दो तीन जगह पर वॉर्स चल रही हैं, कुछ जगह कोल्ड वॉर चल रहा है, दो चार बड़ी कंट्रीज रिसेशन में है, तो इससे बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है सर्विस सेक्टर का। ले ऑफ्स हो रहे हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं। इसके साथ ही मौसम गलत गलत टाइम पे, बारिश, फ्लड्स, ये सब कुछ एग्रीकल्चर को भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है। और महाराष्ट्र सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा फार्मर्स को उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फसल खराब हो गई थी। तो एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, सर्विस सेक्टर क्योंकि बाहर पे डिपेंडेंट है और बाहर का माहौल नहीं अच्छा इसलिए वो सफ़र कर रहा है, और बारिश, मौसम और अलग चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चर सफ़र कर रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ महाराष्ट्र की अच्छी है, उसने संभाल रखा, लेकिन बाकी सब जगह प्रॉब्लम हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ और ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जितनी डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुई है, इंडिया की हिस्ट्री में किसी एक स्टेट में इतने कम टाइम पे इतनी डेवलपमेंट नहीं देखी गई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यूपी के फंडामेंटल्स पे काम किया गया। गुंडा राज, कनेक्टिविटी, सरकारी डिपार्टमेंट्स, लेबर रिटेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। समझाता हूँ, आपने शायद नोटिस नहीं किया कि शुरू में मैंने जिन स्टेट्स की बात की थी ग्रोथ में, वो सारे कोस्टल रीजन वाले स्टेट्स थे। जब किसी स्टेट या कंट्री के पास सी होता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है उसके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो अगर यूपी के पास वो नहीं है तो उसको कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। और इसमें आजादी के 70 साल बाद यूपी में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था और आज की डेट में 13, इनमें से दो तीन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर ये वो हैं जिन पे काम या तो हो चुका है या हो रहा है। उसके अलावा यूपी की बहुत सारी मेजर सिटीज में मेट्रोस पे या तो काम हो चुका है या चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ रूट में चलने वाली आरआरटीएस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। प्लस यूपी आज इंडिया का नंबर वन स्टेट है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। यूपी में इन टोटल 15 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर बन चुके हैं और कुछ पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसमें से 3 ऑपरेशनल है और 2 पे काम चल रहा है, और इन दो में एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें यूपी के अंदर और यूपी के बाहर स्टेट्स के लिए भी और दूसरी कंट्रीज के लिए भी ट्रेड बहुत आसान करेगा, एक ऑप्शन बनाएगा, क्योंकि यूपी के पास समुद्र नहीं है। इसके अलावा जो यूपी में फिल्म सिटी बनने वाली है, इस सबसे क्या होता है, जो यूपी की पॉपुलेशन थी जो अब तक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जाके काम ढूंढते थे, उनको अब यूपी के अंदर वही काम मिलेगा, और यूपी अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ज्यादा अच्छे से चैनलाइज करके यूज कर पाएगी। क्राइम पे एक अलग लेवल पे कंट्रोल हुआ है, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो पॉलिटिकल हो जाएगा तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। बट अगर मैं सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स की बात करूँ तो यूपी में जो कन्विक्शन रेट है वो 70% से ऊपर है, जबकि जो नेशनल एवरेज है वो 25% है। यूपी में पुलिस वालों के लिए सीएम ने खुद एक ड्राइव लॉन्च की थी, जहां पे वो स्टेट के अलग अलग पुलिस स्टेशन में खुद फोन करते थे ये चेक करने के लिए कि पुलिस वालों का रिस्पांस टाइम क्या है। इसके अलावा जो एक नैरेटिव चलता है कि टेंपल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, मंदिर बनवाने से क्या होता है, 2022 में वाराणसी में 8.25 करोड़ विजिटर्स गए थे। आप खुद सोच सकते हो कि अगर इतना ज्यादा टूरिज्म आ रहा है तो उससे कितने लेवल्स पर बेनिफिट होता है। इंडिया की सिर्फ टेंपल इकोनॉमी की बात करूं तो 2021 में 65,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 2022 में 1,34,000 करोड़। ये सब चीजें थी जो फंडामेंटल्स ठीक कर रही थी, पर सबसे बड़ा बूस्ट जो हुआ वो हुआ यूपी के बिजनेस एंगल से। जब यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ी, क्राइम कम हुआ तो बिजनेसेस आने लगे, बिजनेसेस को इंसेंटिव दिया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया गया, तो कंपनीज आईं। और सबसे मेन चीज जो हुई वो थी कि लोकल कारीगरों के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया गया जो था ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई किया गया कि यहां का बेस्ट चीज क्या है जो कि पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है या किसी एक स्पेसिफिक मार्केट में बेचा जा सकता है। उसके लिए पहले एजुकेशनल और स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, उन्हें सिखाया गया कारीगरों को और परफेक्शन कैसे किया जाए, उसके लिए परफेक्ट मार्केट ढूंढी गई कि ये चीज कहाँ बेची जा सकती है, फिर उस जगह पे जहाँ ये सामान बनता है और जहाँ इसकी परफेक्ट मार्केट है, दोनों जगह फेस्टिवल्स लगाए गए, ट्रेड कैंप्स लगाए गए जहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया और इन कारीगरों को इनके परफेक्ट बायर से मिलाया गया और बायर्स को इन कारीगरों से मिलाया गया। ये स्कीम इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी कि आज सारे बड़े स्टेट्स इस चीज को कॉपी कर रहे हैं। इसके बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हैं, साड़ी, लेदर, कांच के आइटम्स, इत्र, बुद्धा राइस तो अपने आप में इतनी बढ़िया केस स्टडी है कि कैसे एक लोकल प्रोडक्ट को इतने बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है यूपी को सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अगर ये ग्रोथ कर्व ऐसा ही रहा तो यूपी एक्चुअली बन सकता है इंडिया का पहला स्टेट $1 trillion की इकोनॉमी वाला। गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि 2027 तक $1 trillion की इकोनॉमी बनेंगे, जो कि काफी मुश्किल है, पर यू डोंट नो 30-35 कभी भी, बट यूपी की ये ग्रोथ बहुत समय से वेटेड थी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ, पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी जिसमें मैंने बिहार के बारे में बात की है कि कैसे एक इतना फ्लरिश, इतना रिच स्टेट बिहार आज ऐसी हालत में है। चाहो तो इसके बाद ये वीडियो जरूर देखना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।